हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। माय नेम इज़ पंकज और हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ में हमारी आज है 30 मई, यानी 30 मई की हमारी ये करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे, जिसमें हम जो अपनी डेली की सीरीज चलती है, जिसमें हम देखते हैं तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें हम देखने वाले हैं विश्व डुगोंग दिवस, G7 समिट जो होने वाली थी, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया है वाई द अमेरिका, और भारतीय श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। फिर वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं आपके या वन डे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और बेसिक ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन इसमें से आपके पूछे जाएंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रही हो, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसका अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो हो सकता है वही पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कभी किसी चीज़ की हाइट पूछी जा सकती है, कभी किसी का लेंथ, और कभी किसी चीज़ की सिर्फ उसमें कितने पॉइंट्स हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जब तक आप उसे बारीक से समझेंगे नहीं तब तक आपके वो समझ में नहीं आने वाली है। तो इसीलिए आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ आपसे, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा टिल एंड, मतलब अंटिल जब तक आपका वीडियो फिनिश नहीं होता है तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिंक शेयर कर दीजिए सभी के साथ। तो इसमें हमारा तरीका रहेगा, पहले हम कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स देखेंगे, जो भी हम टॉपिक देखेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट से क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है, इन क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस पता होंगे उन क्वेश्चंस के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और नहीं पता होंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद हम पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में, और फिर डिस्क्राइब करने के बाद आपके सारे आंसर खुद ब खुद ये निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है विश्व डुगोंग दिवस। तो विश्व डुगोंग दिवस का यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस, विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें इसका आंसर, और नहीं पता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर है दूसरा, डुगोंग किस प्रजाति से संबंधित है, समुद्री गाय है, मछली है, सांप है, कछुआ है। और 2013 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया था उसके अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार जो डुगोंग हैं वो कितने थे, टोटल नंबर्स ऑफ डुगोंग कितने हुए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना पॉइंट्स। तो विश्व डुगोंग वर्ष की बात की जाए तो हर साल 28 मई को, कब, 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जा सकता है। ये आपका वन डे और वन लाइनर एग्जाम में भी पूछा जाता है। डुगोंग, डुगोंग शब्द जो बनता है वो बनता है समुद्री गाय से, ठीक है। इसको समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, और ये भारतीय जल क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की कमी के कारण इसके संकट बना हुआ है, क्योंकि इसका कोई अभी संरक्षण का उपाय नहीं माना जा रहा था, जिसके कारण इसकी जनसंख्या में कमी देखी गई है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या उठ सकते हैं, आपकी यूपीएससी प्री हो चाहे यूपीपीएससी या स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें क्या क्वेश्चन उठेंगे, पहला तो यही उठेगा डुगोंग किस प्रजाति से संबंधित है। तो यह समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, यह समुद्री मछली होती है, ठीक है। फिर इसके बाद भारतीय जल क्षेत्र के संरक्षण, ये आपसे पूछा जा सकता है डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखिए ये मनाया जाता है 28 मई को। जो डुगोंग को वर्तमान में समुद्री कछुए, समुद्री घोड़े और समुद्री खीरे किस समान संकट का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ मैंने नाम बताए हैं, जैसे जो समुद्री कछुआ है बिल्कुल गायब हो रहे हैं, समुद्री घोड़े आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, समुद्री खीरे ये धीरे धीरे रेड लिस्ट में आ चुके हैं, यानी कि ये बिल्कुल गायब होने की कगार पे हैं, इनका दिखाई पड़ना बहुत ही कम हो गया। इसी तरह से विश्व डुगोंग यानी इसको हम समुद्री गाय के रूप में जान सकते हैं, ये भी बिल्कुल गायब हो रही है धीरे धीरे। डुगोंग को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड एक्ट, याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार सूची वन के तहत इसे संरक्षित किया गया है, इसको बचाए जाने की मुहिम की गई है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछती है जिसमें पूछा जाता है कि ये डुगोंग जो आपका एनिमल है, डुगोंग नील गाय बोल सकता है, सीधे नाम भी ले सकता है यूपीएससी क्वेश्चन बनाने में, और ये पूछेगा कि ये हमारे इंडियन ओशन में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या ये किस किस ओशन में पाया जाता है, या किस किस जो स्टेट हैं या कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाते हैं, कई सारे मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि एक एनिमल का नाम ले लेगा और पूछेगा कि ये किस कंट्री में पाया जाता है, चार पांच कंट्री का नाम दे देगा, ऑल ऑफ द अबव हो सकते हैं, 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, और कई सारे क्वेश्चन उससे बनाए जा सकते हैं। तो सारे पॉइंट समझिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। डुगोंग का भारत में अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें तो वर्ष 2013 में, यहाँ पर आप देख पाएंगे
वर्ष 2013 में भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय तटीय क्षेत्र में केवल 250 डुगोंग बचे हुए हैं। कितने? केवल 250 डुगोंग बचे हुए हैं। और भारत में ये केवल मन्नार की खाड़ी कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी समझ लीजिए, भारत में केवल ये मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे आपको पता होनी चाहिए इसकी लोकेशन, मन्नार की खाड़ी में, और मैं पहले पेन ले लेता हूँ। तो मन्नार की खाड़ी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और कच्छ की खाड़ी, ये तीन इसके जो पॉइंट हैं यहाँ पे ये पाया जाता है। डुगोंग कैसा है? एक शाकाहारी स्तनधारी है, याद रखना है, ये अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चे देता है। जैसे हमारी वेल मछली होती है, तो इसी तरह से ये एक मछली जो है डुगोंग एक शाकाहारी स्तनधारी जीव है जो जीवन के लिए पूरी तरह समुद्र पर निर्भर है, मतलब पूरी तरह से समुद्र पर ही डिपेंड करती है। यह कुल 37 देशों जिसमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, तटीय और द्वीपीय देश शामिल है उसमें पाया जाता है। ये टोटल कितने देशों में? 37 देशों में पाया जाता है। तो इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, भारत की किस खाड़ी में ये डुगोंग प्राणी पाया जाता है, पूछा जा सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है किस में पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी, ठीक है? इतना आपको याद रखना है इसमें से। अब संरक्षण के प्रयास यहाँ पर देख ले जाएँ, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब इसको वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन के तहत रखा गया है तो इसका संरक्षण भी दिए गए हैं। तो संरक्षण के प्रयास देख लिए यहाँ पे, भारतीय वन्य जीवन जो संस्थान है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के जागरूकता अभियान के बाद डुगोंग के शिकार में कमी देखी गई थी। लोगों को बताया गया ये एक ऐसा एनिमल होता है, इसको नहीं मारना चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इस पे मारने में कुछ प्रावधान भी रखा गया है, तो इसमें कुछ मारने में कमी देखी गई, लेकिन अभी भी ये खतरा बना हुआ है इसकी प्रजाति लुप्त होने का। 15 से 22 फरवरी 2020 तक गुजरात की गांधी नगर, जो राजधानी गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो CMS बोला जाता है, कि शीर्ष निर्णय निर्मात्री निकाय, एक उसका निकाय है, इसके एक पार्टी है जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या नाम है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और उसका 13वां सत्र का आयोजन किया गया था, और उसी में बताया गया था कि जो डुगोंग है उस पे और ज़्यादा प्रोडक्शन की से आपके प्रोडक्शन एक्ट लाने चाहिए, ठीक है? तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब देख लेते हैं इससे क्वेश्चंस। तो इससे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है? तो इजी से आप समझ सकते हैं, 28 मई को मनाया जाता है विश्व डुगोंग दिवस। विश्व डुगोंग, आपको डुगोंग किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह समुद्री गायक से मान सकते हैं इसको, समुद्री गायक का ना इसका दूसरा नाम है। फिर है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा, सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय तटीय क्षेत्र में कितने डुगोंग बचे हुए हैं? आपको याद रखना है 250, 250 से 255, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम सेकेंड टॉपिक पर बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा जी समिट। तो जी समिट से बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हाल ही में कौन से G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है, मतलब कौन से नंबर की यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है? तो 40th या 46, 45, 47 है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका, रूस, चीन, भारत। और जी शिखर सम्मेलन का सदस्य इसमें से कौन सा कंट्री नहीं है? फ्रांस, चीन, इटली, जापान। ये सारे आंसर इस आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो G7 समिट क्या है पहले ये जान लीजिए आप। तो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से 46वें यानी 46 नंबर की जो G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है। मूल रूप से देखा जाए तो G7 शिखर सम्मेलन की वार्षिक बैठक जो है 10 से 12 जून 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप डेविड में आयोजित होने वाली थी। याद रखना ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा प्लेस है, कैंप डेविड, ठीक है, में आयोजित होने वाली थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये G7 समिट मनाई जा रही है। अब याद रखिए G7 समिट है तो G7 के पहले कंट्रीज़ के नाम जान लीजिए। G7 मतलब इसमें कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं वो, क्योंकि आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें ऐसी कौन सी कंट्रीज़ नहीं है, तो पहले जो हैं वो जान लीजिए, क्योंकि हैं वाली आप जान लेंगे तो नहीं वाली तो आपको पता ही चल जाएंगी, क्योंकि 195 कंट्रीज़ के तो आप याद नाम याद नहीं कर सकते, तो वो याद कर सकते हैं जो हैं केवल 7, ठीक है? तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा।
कौन कौन से हैं? फ्रांस है, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो हमारा जो ऑप्शन वी था उसमें चीन, तो वी हमारा ऑप्शन चीन गलत है। तो चीन हमारा इसमें देश यानी कि इसका संगठन का सदस्य नहीं है। और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब बोलता है नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, और इसका गठन 1975 में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है इसका गठन कब हुआ था, 1975 में। 1997 में रूस के द्वारा इस समूह में शामिल होने के बाद इसको G7 समिट को G8 के रूप में जाना जाता था, पहले याद रखना। लेकिन क्या हुआ, याद मैंने क्या पॉइंट बताया यहाँ पे, याद रखिए, 1970 में जब रूस इसमें शामिल हुआ तो G7 को G8 के रूप में जाने लगा। इसके ऊपर हमने रूस नहीं पढ़ा है, देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस नहीं है। लेकिन जैसे ही 1997 में रूस इसमें शामिल हुआ, G7 ना होके G8 हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया के क्षेत्र में सैन्य अधिग्रहण के बाद, यानी कि रसिया ने क्या किया, वहाँ पर अपना सैनिक अड्डा बना लिया यूक्रेन में, और जिसके बाद रूस को इस सदस्य से बाहर निकाल दिया गया, उसकी सदस्यता छीन ली गई, और वो फिर से G7 फिर से कहा जाने लगा, याद रखना, ठीक है। अब शिखर सम्मेलन में भागीदारी के क्या इफेक्ट होंगे, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे? इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है प्रतिवर्ष किया जाता है, और इसकी मेजबानी अलग अलग देशों में की जाती है, बारी बारी जो इसके 7 देश हैं वहाँ पे की जाती है। सारे पॉइंट हम आपको इसमें डिस्कस कर रहे हैं। भारत और जी शिखर सम्मेलन जो है इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए। तो भारत और G7 समिट की यहाँ पे रिलेशन देखा जाए तो 45वां जो G7 शिखर सम्मेलन था उसकी मेजबानी फ्रांस ने अगस्त 2019 में नोवेल्ले एक्टिवेटेन के वित्यारिज में की थी। याद रखना, 2019 का जो 45वां G7 शिखर सम्मेलन था, ये किसकी मेज़बानी किसने की थी, तो फ्रांस ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो G7 के शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति से 2 बार, यानी कि उपस्थिति में हिस्सा ले सकता है, कोई भी कंट्री उसमें जाकर हिस्सा ले सकता है, उसमें भागीदारी ले सकता है, देख सकता है कि क्या क्या वार्ता हो रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, वहाँ से सीख सकता है। तो 2 बार इस वहाँ पे भारत जो है गया हुआ है, और भारत के महत्व को भी बढ़ाया है। तो ये था हमारा सारा पॉइंट भारत और G7 समिट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले तो इसके क्वेश्चन जो थे हमारे वो देख लेते हैं जल्दी से। हमारे क्वेश्चन थे, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा ये कौन से नंबर की है, ये 46 नंबर की, याद रखना। और 2019 में कौन से नंबर की हुई थी, 45 नंबर की हुई थी। तो मेन हमारे लिए है 26 नंबर की घोषणा 2020 में हुई है। और G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करने वाला है, अमेरिका इसकी मेज़बानी करने वाला है। और G7 शिखर सम्मेलन का जो सदस्य कौन सा देश नहीं है, इसमें मैंने आपको 7 सदस्यों के नाम बताए हैं, जिसमें चाइना आपका सदस्य नहीं है, चाइना भी सदस्य नहीं है और भारत भी इसका सदस्य नहीं है। आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। अब हमारा पॉइंट है भारतीय श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो देखिए, यहाँ से पहले कुछ क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ILO की स्थापना कब हुई, ठीक है, स्थापना कब हुई। अब यहाँ पे मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, जबकि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाएगा इसके बारे में हम क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे। वो सारे क्वेश्चन हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते यहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपके इनके आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए। चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। भारतीय श्रम और कानून जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम है, ILO जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चर्चा में क्यों है ये पहले समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने भारत में श्रम कानूनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में जो भी चेंजेस किए गए हैं, श्रम संगठन यानी जितने भी लेबर होते हैं उनके तहत, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखे गए हैं उनके रूल्स में जितने भी इन्होंने चेंजेस किए हैं वो दयनीय हैं, इनको कृपया फिर से देख रेख में लाना चाहिए और इन पर क्या करना चाहिए, अपने सुधार की आवश्यकता है, ये कहना है ILO का, ठीक है। तो पॉइंट क्या है हम वो देख लेते हैं। हाल ही में देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संघों ने पत्र के माध्यम से देश में कानून के निलंबन के मुद्दे को ILO के समक्ष उठाया था। कितने? 10 केंद्रीय श्रमिक संघों के ने पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को ILO में उठाया, और साथ ही विषय पर ILO के हस्तक्षेप की मांग भी की थी। तो तब ILO ने कहा है, ऐसी प्रतिक्रिया आई है जब
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ऐसे कुछ और राज्य भी हैं। तो मेन मेन यहाँ पे राज्य आपके हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्यों में आर्थिक और औद्योगिक जो प्रगति है इसका हवाला देते हुए क्या किया है, 2 से 3 वर्षों के लिए बड़ी संख्या में जो श्रम कानून है इनको निलंबित कर दिया है, इनका निलंबन कर दिया है कि अब ये जो श्रमिक हैं इनसे ज़्यादा टाइम पीरियड लिया जाएगा, काम कराया जाएगा और इनकी जो मजदूरी होगी उसमें भी कटौती हो सकती है। तो इस पॉइंट को इन्होंने नोट किया आईएलओ ने और इसके ऊपर विचार विमर्श करने की बात की है। अब श्रम कानून का अर्थ और भारत में श्रम कानून, पहले तो श्रम कानून का अर्थ क्या होता है और भारत में फिर श्रम कानून होता क्या है इसको समझ लीजिए। तो श्रम कानून का अगर सीधा सा मीन देखें तो कानून के उस प्रारूप से है जिसमें रोजगार करने वाले किसी भी व्यक्ति, परिश्रम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अपनी किसानी कर रहा हो, चाहे वो अपनी खेती कर रहा हो, चाहे वो बोझा ढो रहा हो, सारे वो श्रम कहलाते हैं इसके अंदर। श्रम संघों और औद्योगिक संबंधों जैसे मामलों से लागू होता है। तो श्रमिक होते कौन है, श्रमिक होते हैं हमारे मेन स्किल्स पावर, ऐसे बोल सकते हैं HRD, ह्यूमन के जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं वो सारे आते हैं श्रम से, यानी श्रम संगठन से ही हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। तो इसके लिए श्रम जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और इसी के तहत राज्य विधान मंडल में श्रम कानूनों को लागू कर सकते हैं, किंतु उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी हमेशा जरूरी होती है। ठीक है, तो राज्य सरकार इसे लागू तो कर सकते हैं लेकिन परमिशन किसकी लेनी पड़ती है, केंद्र सरकार की, ये या आपको याद रखना है, ये पॉइंट बन सकता है एग्जाम में। और अनुमान के अनुसार देश में श्रम से संबंधित 200 से अधिक राज्य कानून और 50 जो है केंद्रीय कानून है। इसके बावजूद श्रम कानून में कोई निर्धारित परिभाषा यहाँ पे नहीं दी गई है कि श्रम कैसा होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए और कैसे उनकी आगे की प्रोग्रेस होनी चाहिए और कैसे उन्हें उनकी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। तो जो ये पॉइंट हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में श्रम कानून, तो इसमें हालिया परिवर्तन क्या हुए हैं वो देख लेते हैं। तो COVID-19 महामारी के बीच में उत्पादन और मांग में कमी होने के कारण, भाई उत्पादन में भी कमी हो गई, मांग में भी कमी हो गई है, तो इसके कारण अधिकांश जो उद्योग हैं वो बंद हो गए हैं, जिसके कारण जो श्रमिक हैं उन्हें पटरी पे लाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब उनकी श्रम की देखभाल करना, उनकी रोजगार की तलाश करना, ये बहुत मुश्किल हो गया। और उद्योगों के इस तनावपूर्ण स्थिति को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ अन्य राज्यों ने अपने श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव किए हैं और उन्हें कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया, यानी कि जो उनके श्रम कानून थे उनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया, निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए कुछ प्रमुख कानूनों को छोड़कर सभी 35 श्रम कानूनों को प्रावधान से व्यवसायों में छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें होगा क्या, बंधुआ मजदूरी, बच्चों, महिलाओं के नियोजन संबंधित जितने भी श्रम अधिनियम हैं इनके वेतन जो संदाय अधिनियम से संबंधित कानून में कोई छूट नहीं दी जाएगी, याद रखिए अब इसमें कोई भी छूट नहीं है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्या किया, अगले 1,000 दिनों तक, अब पूरा समझ लीजिए अगले 1,000 दिन कितना हो गया, 365 दिन होते हैं, लगभग आपके भाई 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा का टाइम मान के चलते हैं, तो कई जो श्रम कानून हो उनको भी निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश द्वारा क्या बताया गया, लगभग जो कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, श्रमिक हैं, उनकी जो अवधि है 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक बढ़ा दी गई है, याद रखिए वो अब 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। तो इन्हीं किसी आलोचना जो है आईएलओ द्वारा की जा रही है। देख लेते हैं हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और श्रम कानून। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विशिष्ट एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक मेन पॉइंट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हमारा ये क्वेश्चन भी था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आपको ये भी याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दिवस कब मनाया जाता है या स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में, 1919 में, याद रखिएगा आप। अब हम चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस पे। यहाँ पे पहले हमारे क्वेश्चन है, बैब क्यू ऐप किस राज्य में शराब वितरित के लिए जारी किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, जो अभी आपको आंसर पता हो उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। इस ऐप को कोच्चि स्थित किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। जो संस्था होगी या वन लाइनर जो आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा।
तो इस ऐप को कोट्टी जो कोच्चि स्थित संस्था है उस संस्था का नाम है फेयर कोड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, शराब वितरित ऐप, ये जो हम बैब क्यू की बात कर रहे हैं, इस बैब क्यू की, तो ये बैब क्यू है क्या? ठीक है, बैब क्यू ऐप बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जिसका प्रयोग केरल में शराब वितरित करने के लिए किया जाएगा, यानी शराब वितरण के लिए इस ऐप का भी उपयोग किया जाने वाला है। और इस नव विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से केरल राज्य में शराब बिक्री के लिए अभी कतार प्रणाली शुरू की जा सकेगी। इससे शराब की दुकानों में भीड़ नहीं लगेगी और जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है वो भी फॉलो हो सकेगा। इसमें क्या होगा, इसका प्रयोग केरल के यहाँ पे देख लीजिए, बिवरेजेस ऑफ कॉरपोरेशन द्वारा राज्य में शराब वितरित करने के लिए किया जाएगा। और इसका कोच्चि में स्थित एक स्टार्टअप फेयर को टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसकी निर्मित किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। सिकाड़ा किस प्रजाति का जीव है? भूमिगत कीड़े, केचुआ, मछली, सांप, आपको ये आंसर देना है। तो देखिए क्या है, सिकाड़ा एक प्रकार के कीड़ा है जो भूमिगत कीड़ा है, जो अपने जीवन का अधिकांश समय भूमि के ऊपर बिताते हैं, मतलब भूमिगत जीवन कीड़ा है। और 13 से 17 वर्षों के बाद ये कीट मिट्टी से बाहर निकलते हैं। कब? 13 से 17 वर्षों के बाद। और 17 वर्ष के बाद सिकाड़ा की तीन प्रजाति हैं, 13 वर्ष के बाद सिकाड़ा की तीन प्रजाति पाई जाती हैं। 17 वर्ष की जो प्रजातियाँ होती है वो तीन प्रजातियाँ होती हैं और 13 वर्ष की भी तीन प्रजातियाँ होती हैं। तो पॉइंट आपके यही है कि सिकाडा किस प्रजाति का जीव है, आपका है भूमिगत जीव, ठीक है, भूमिगत कीड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2020 से 21 का समय आवधिक सिकाडों के रूप प्रयार जो प्रकोप के रूप में समय में बताया जा रहा है। तो आपको ये मेन पॉइंट यहाँ से आता है कि जो सिकाडा कीड़ा है आपका किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है अमेरिका में। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं फैट की फुल फॉर्म आपकी थी, तो फैट की फुल फॉर्म क्या है, ये आपकी है एफ ए, यानी कि बोल सकते हैं हम फेबिपिरविर यून इनफेनोविर ट्रायल इन इंडियन हॉस्पिटल। अब फैट का उपयोग किस उपचार में किया जाएगा, ये आपको आंसर देना है। मलेरिया, टाइफाइड, COVID-19, स्नेजिंग, सारे, ठीक है, सारे आपको इसमें कमेंट में आंसर देने, जिसको भी पता हो। देखते हैं फैथ है क्या। तो COVID-19 के उपचार रणनीति के तहत ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो आपकी एक कंपनी है, इसके द्वारा FHITH, याद रखना फैथ, ट्रायल से संबंधित एक अध्ययन शुरू हुआ है। इस अध्ययन में होगा क्या, इसमें दो एंटीवायरल दवाएं हैं, ये फेबी बीपिराबिर, याद रखना फेबी बीपिराबिर, और दूसरी है उमी फेनोविर, ठीक है, उमी फेनोविर की संयुक्त प्रभावी परीक्षण किया जाएगा और इसको अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि ये जो दो दवाएं, इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी पाया गया है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी का अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा इसी का आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चंबा सुरंग किस राजमार्ग पर स्थित है? ऋषिकेश धरासू राजमार्ग, श्रीनगर NH44, ग्रैंड ट्रंक रोड, कोची बाईपास, ये सारे आपको आंसर इसमें जो भी पता हो आपको देना है। देखते हैं चंबा सुरंग है क्या। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमंत्री ने 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार धाम परियोजना, कौन सी चार धाम परियोजना के तहत, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंबा सुरंग का उद्घाटन किस परियोजना के तहत किया गया है। तो याद रखना चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग से वाहन आपका रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया जाएगा। और सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो जिसे बोलते हैं, याद रखना ये ब्रो भाई वाला ब्रो नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऋषिकेश धरासू राजमार्ग NH94, आपसे धरासू मार्ग ना कहके NH94 नाम भी दिया जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है NH94, NH44। पर सबसे व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। और ब्रो प्रतिष्ठित चार धाम परियोजना में एक महत्वपूर्ण हितधारक है, इसने ही जितनी भी इम्पोर्टेंट धाम है उनको ओवरलिंक किया है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए जाके, हमारी जितनी भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि पूरी वीडियो देखने पे ही आपको समझ में आएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है और करंट अफेयर ऐसी है कि पूरी वीडियो देखने पर ही आपको समझ में आएगा।
थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अभी इस चैनल के लिंक को और हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इस लॉकडाउन में आपके लिए सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि पढ़ाई करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।